नमस्कार दोस्तों, आप सी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक बना लाई हूँ जिसे मैंने बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। ये 6 महीने से साल भर के बेबी को आराम से आ जाएगा। इसे मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगी। पहले पार्ट में चोली तक और दूसरे पार्ट में घेरा बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फ्रॉक बनाते हैं। सबसे पहले हम सिंगल वुल से 10 नंबर की सिलाई पर 3 फंदे डालेंगे, 2 फंदे हो गए और एक और फंदा, तो ये हमने 3 फंदे डाल लिए। अब इन 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और फिर अब हम फिर सामने की तरफ हैं और ये हमारा तीसरा लाइन है। पहले फंदे में हम 2 बार बुनेंगे, एक बार सीधा बुनेंगे और एक बार ऊन अपनी ओर करेंगे और इसी फंदे में एक बार उल्टा। तो हमने पहले फंदे में 2 फंदा बना लिया। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे, दूसरे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब तीसरे फंदे या यूं कहिए लास्ट फंदे में भी हमें 2 फंदे बनाने हैं, तो एक बार उल्टा बनाएंगे और फिर इसी में एक बार सीधा। तो लास्ट फंदे में भी हमने 1 से 2 कर दिया। अब टोटल 5 फंदे हो गए, 2 फंदे दोनों साइड से बढ़ गए। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ है और ये हमारा 5वां लाइन है। तो पहले फंदे में हमें 2 फंदा बनाना है, यानी एक बार सीधा बुनना है और फिर इसी फंदे में ऊन को अपनी ओर करेंगे और इसी फंदे में एक बार उल्टा बना लेंगे। तो हमने 1 फंदे से 2 फंदे बना लिए। अब 3 फंदे, ये बीच के 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, और लास्ट फंदे में पहले उल्टा बुनेंगे और फिर इसी फंदे में सीधा। तो लास्ट फंदे में भी हमने 1 से 2 फंदे बना लिए। अब पीछे से सभी फंदे, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। अब चूंकि हम बचे हुए ऊन से बना रहे हैं तो यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे। लेकिन पहले फंदे में हमें 2 फंदा बनाना है, तो 1 सीधा बनाया, फिर ऊन को अपनी ओर किया और इसी फंदे में उल्टा। तो हमने 2 फंदे बना लिया। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और बीच के सभी फंदे सीधे बना लेंगे और लास्ट फंदे में हमें 2 फंदा बनाना है, पहले उल्टा बुनना है और फिर इसी फंदे में सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम चाहें जितने भी कलर लगा सकते हैं, बस हमें ये याद रखना है कि हमें पहले फंदे में और आखिरी फंदे में 2 फंदा बनाना है। पहले सीधा बुनेंगे फिर उल्टा, बीच के सभी फंदे सीधे और लास्ट के फंदे में भी हमें 2 फंदा बनाना है, पहले उल्टा बनाना है और फिर इसी में सीधा। तो हर सीधी लाइन में 2-2 फंदे बढ़ते जा रहे हैं, एक इस साइड से एक इस साइड से। देखिए फ्रेंड्स, चूंकि हमने 3 फंदे से शुरू किया था और दोनों साइड में एक एक फंदे बढ़ाए, तो हमारा इस तरह वी शेप में बन के तैयार हुआ है। अब हमारी लंबाई पूरी हो गई है। यदि आपको बड़ा बनाना हो तो अभी आप और फंदे दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मुझे इतना ही लंबा चाहिए, इतना ही चौड़ा चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि इस साइड के फंदे क्लोज करेंगे और इधर के फंदे अभी बढ़ते रहेंगे। तो इसे कैसे करेंगे, अब हम देखिए, हम राइट साइड में है तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए
सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। शेष फंदों को सीधा बुनेंगे और दूसरी साइड में लास्ट फंदे के पास आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे सीधे बुनते हुए मैं लास्ट फंदे पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे हमें एक फंदे से दो फंदा करना है। पहले उल्टा और फिर इसी में सीधा। तो लास्ट फंदे में हमने एक से दो फंदे किया और इधर इस साइड में शुरुआत में दो फंदों को एक साथ लेके दो का एक किया है। यहाँ पे हमने एक फंदा घटाया और दूसरी साइड में एक फंदा बढ़ाया। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो हम फिर यहाँ पे दो फंदों का एक करेंगे और इस साइड में हम दो फंदे एक से दो करेंगे। यानी यहाँ पे हम एक फंदे बढ़ाएंगे, इस साइड में एक फंदे घटाएंगे और यहाँ पे एक फंदे बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि ये हमारा यहाँ से कटना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह सीधा बनता, इधर से सीधा बनना शुरू हो जाएगा। देखिए ये इस तरह आएगा। तो चलिए हम दो का एक करते हैं, दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। शेष फंदे सीधा बुन लेंगे। अब फिर ये लास्ट फंदा है, तो इसे हमें इसमें हमें दो फंदे बनाने हैं। उन अपनी ओर करेंगे, पहले उल्टा और फिर इसी में सीधा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह बनके तैयार हुआ है। शुरुआत में हम दो फंदों का एक कर रहे हैं और यहाँ पे एक फंदे से दो फंदा बना रहे हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में हम फंदे घटा रहे हैं, यानी दो का एक कर रहे हैं, और इस साइड हम अभी तक एक फंदे से दो फंदे बना रहे थे, यानी इस साइड फंदे बढ़ते जा रहे थे। तो इस समय इसकी चौड़ाई है लगभग 19 सेंटीमीटर। और लंबाई है 22 सेंटीमीटर के आसपास। इस साइड में हम लगातार फंदे बढ़ा रहे थे। अब हम फंदे बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि इस साइड भी फंदे घटाएंगे। दो फंदों का एक साथ लेंगे और सीधा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। शेष फंदे हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी लाइन सीधी बुन ली। अब लास्ट के दो फंदे बचे हैं, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। यानी अब हम इस साइड भी दो फंदों को एक कर रहे हैं और इस साइड भी, यानी दोनों साइड से हम फंदे घटा रहे थे। शुरुआत में हमने दोनों साइड से फंदे बढ़ाए हैं और अब हम दोनों साइड से फंदे घटा रहे हैं। और रॉन्ग साइड में हम उल्टा सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब हम अपने पैटर्न को चालू रखते हुए दोनों साइड में तब तक फंदे घटाएंगे जब तक कि फंदे खत्म न हो जाएं। कलर बदलते जाएंगे और दोनों साइड में दो का एक करते जाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी ये दो पार्ट्स बनके तैयार हो गए हैं और अब हमें इनकी सिलाई करनी है।
तो हम इसे ऐसे लगाएंगे कि ये लाइन से लाइन मैच कर जाए। अब हम सुई में धागा डालेंगे और ऐसे निकालेंगे और डिज़ाइन पे डिज़ाइन मैच करते हुए। अब देखिए ये जो लाइन गया है इसी लाइन पे हमें सिलाई करनी है। हम एक ऐसे निकालेंगे एक पूरे हम सीधे फंदे को ले लेंगे। ऐसे डालेंगे और यहां से ऐसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई कर लेनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ सिल देने से हमारा ये बनके तैयार हो गया है। तो अब इसे हम अभी साइड में रखेंगे और अब फिर हम 10 नंबर की सिलाई पे 3 फंदे डालेंगे। तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से तीनों फंदों को उल्टा, यानी जैसे हमने शुरुआत किया था। अब फिर हमें इन 3 फंदों से 5 फंदे बनाना है। तो पहले फंदे को एक बार सीधा बुनेंगे और इसी फंदे में एक बार बैक साइड से सीधा, बीच वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब फिर ये तीसरा फंदा है तो इसमें भी हमें 2 बार बुनना है, एक बार सीधा और एक बार बैक साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हमारे ये 5 फंदे हो गए। अब फिर हमें राइट साइड में है और हमें 2 फंदे बढ़ाना है। तो पहले फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर इसी में एक बार और सीधा, फिर 3 फंदे सीधा बुन लेंगे और फिर लास्ट वाले फंदे में हमें 2 बार बुनना है, एक बार सीधा और एक बार बैक साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिर हम राइट साइड में हैं, 2 फंदे हम बढ़ाएंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर इसी में बैक साइड से एक और सीधा, फिर 5 फंदे सीधे और लास्ट फंदे में हम 2 बार बुनेंगे, एक बार सीधा और एक बार बैक साइड से सीधा। तो ये हो गया 4 4 8 9 फंदे हमारे हो गए हैं। तो ये हमारे 9 फंदे हो गए हैं। अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। पहले फंदे में एक बार सीधा बुनेंगे और फिर इसी में बैक साइड से एक और सीधा, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें फंदे में हम 2 बार बनाएंगे तो ये हो गया 11। और बस हमें इतने ही फंदे चाहिए। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब हम अपना 3rd कलर लगाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब हमें सिर्फ 11 फंदे ही चाहिए। तो
हम क्या करेंगे कि पहले दो फंदे को हम दो का एक करेंगे और लास्ट के फंदे में हम एक से दो फंदे करेंगे। तो दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। शेष फंदे हम सीधा बुनेंगे। और लास्ट फंदे में हम एक फंदे से दो फंदा करेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक और दो, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से दो का एक करेंगे और शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे। लास्ट फंदे में एक से दो करेंगे, एक बार सीधा बुनेंगे और एक बार बैक साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से दो का एक कर लेंगे। शेष फंदों को हम सीधा बुनते जाएंगे। और लास्ट फंदे में एक से दो करेंगे, यानी हम फंदे बढ़ा भी रहे हैं और घटा रहे हैं, तो हमारे जितने फंदे हैं वापस उतने ही फंदे। देखिए 11 फंदे थे और 11 फंदे हैं। दो का एक किया, शुरू में हमने दो का एक किया और लास्ट में हमने एक से दो किया, तो जितने फंदे थे वैसे ही अब देखिए ऐसे लंबा होता चला जाएगा। अपने पैटर्न को कायम रखते हुए जैसे हमने इसमें कलर लगाया है वैसे ही हम सारे कलर लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हर सीधी लाइन में हमने शुरू के दो फंदे घटाए यानी दो फंदों का एक किया और लास्ट के फंदों में एक से दो करते हुए देखिए अपने जितना कलर हमने लगाया था उतना कलर लगा के और इसे 7 इंच तक कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए ये हमारा 7 इंच बनके तैयार हो गया है, 7 इंच हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू में हमने दो का एक किया, शेष फंदों को सीधा बुना, अब लास्ट के दो फंदे बचे हैं, तो अब हमें इन दोनों फंदों को भी दो का एक करना है। दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब देखिए, अब हम इधर से भी फंदे घटा रहे हैं और लास्ट में भी दो फंदों को हमने एक कर लिया, तो हमारे 11 फंदे थे। पहले फंदे के साथ एक फंदा घट गया और लास्ट फंदे के साथ एक फंदा घट गया, यानी अब सिलाई पे सिर्फ 9 फंदे ही रह गए हैं। अब रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो अब हमारे दोनों साइड से फंदे घटने शुरू हो गए हैं, यानी हम अब क्लोज इसको क्लोज कर रहे हैं। अब फिर हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और देखिए सीधी तरफ है हमारा, सीधी तरफ से ही हम दोनों फंदे घटा रहे हैं, तो अब हम सीधी तरफ हैं, दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। शेष फंदों को सीधा बुनेंगे लास्ट के दो फंदों को छोड़ के। अब देखिए लास्ट में दो फंदे बचे हैं, तो दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक। तो हमने हमारे सिलाई पे 9 फंदे थे, एक फंदा पहले फंदे के साथ घटा, एक लास्ट फंदे के साथ घटा, तो अब सिलाई पे 7 फंदे रह गए हैं। अब रॉन्ग साइड से हमें हर लाइन में सिर्फ उल्टा ही बुनना है। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। शेष फंदों को सीधा बुनेंगे लास्ट के दो फंदों को छोड़ के।
तो लास्ट के अब दो फंदे हैं, इन दोनों को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए दो का एक। तो अब हमारे सिलाई पे देखिए पांच फंदे रह गए हैं और देखिए ये ऐसे हमारा क्लोज होना शुरू हो गया है। अब इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर सामने की तरफ है, अब हमें अपना ब्लैक कलर लगाना है, तो ब्लैक कलर के ऊन से दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, फिर दो फंदा सीधा और लास्ट में फिर एक फंदा सीधा और लास्ट फंदे को हम दो का एक कर लेंगे। अब हमारे सिलाई पे तीन फंदे रह गए हैं, तीनों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमें अपना दूसरा कलर लगाना है, दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, रॉन्ग साइड से दोनों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अब देखिए ये हमारे फंदे क्लोज हो गए। अब ये लूप लेंगे और लूप में से धागे को काटेंगे और ऐसे निकालेंगे। तो ये हमारा देखिए ऐसे हम दो पीस बना लेंगे। तो हमने दो पीस बना लिया। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे फोल्ड करके और सिल लेंगे। तो मैं सिल के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने दोनों पार्ट्स देखिए ऐसे जोड़ लिया, ये ऐसे बन के आया है। अब हमें सिर्फ तो क्रोशिए का थोड़ा सा काम करना शेष है। और देखिए ये हमारा फ्रॉक का अपर पार्ट तैयार हो गया है। तो ये हमारे फ्रॉक का अपर पार्ट तैयार हो गया है। तो शेष अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।